नमस्कार, राइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बीरभूम जिला पुलिस द्वारा आयोजित जंगल महल कप 2020 का असफलता पूर्वक समापन हो गया। इस दो दिवसीय प्रोग्राम में पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं की टीमें भी शामिल थी। जंगल महल कप 2020 कार्यक्रम में फुटबॉल, कबड्डी के साथ ही कई दूसरे खेलों को भी शामिल किया गया था। इस टूर्नामेंट को लेकर जहां खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया, तो वहीं आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत झलकियों ने लोगों के मनोरंजन को दुगना चौगना कर दिया। इस कार्यक्रम में एडीजी वेस्टर्न जोन संजय सिंह, आईजी बर्धमान रेंज भरत मीना, बीरभूम जिला शासक विजय भारती, बीरभूम एसपी श्याम सिंह के साथ ही कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। बीरभूम पुलिस लोगों की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। जंगल महल कप 2020 इसी कड़ी का एक हिस्सा था। स्थानीय पुलिस की कोशिश है कि इस तरह के टूर्नामेंट के द्वारा स्थानीय स्तर पर खासकर आदिवासी समुदाय से खेल प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। बीरभूम पुलिस की इस नेक पहल से जहां समाज के निचले स्तर खासकर आदिवासी समुदाय के लोगों को भी मिल रहा है अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका, वहीं इससे हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा। एआरआई न्यूज के लिए बीरभूम से अमन राय की रिपोर्ट।